ये नहीं समझता कि मैं आ, दीन बाकियों से बात बेहतर समझता हूँ लेकिन मैं एक तारीख का तालब इलम हूँ और मैंने तारीख को बड़ा स्टडी किया और क्योंकि मेरी, मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान जितनी है हम, मैंने ये पाकिस्तान को मुख्तल स्टेज से गुजरते देखा कि एक वक्त ऐसा भी था कि पाकिस्तान इस सारे खत्ते में वो मुल्क देखा जाता था जो सबसे तेजी से प्रोग्रेस कर रहा और पाकिस्तानियों की दुनिया में इज्जत थी हमारा प्रेसिडेंट जब सिक्सटीज में अमेरिका गया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया उसी प्रेसिडेंट जब इंग्लैंड गया तो उसको जिस तरह की वेलकम दी गई बरतानिया के अंदर क्योंकि एक मुल्क की हैसियत थी और लोग ये देख रहे थे कि मुल्क बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर प्रडिक्शंस भी थी एक किताब में मेंशन किया गया कि एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है पाकिस्तान और फिर हमने इसका जवाल भी देखा नीचे भी आते देखा और इसीलिए मेरी तरह का आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा था जिसके बड़ा नाम था इसलिए वो पॉलिटिक्स में आया क्योंकि पॉलिटिक्स में जितने लोग आए इनको तो कोई पहले नहीं जानता था इनकी कोई हैसियत नहीं थी बाद में पॉलिटिक्स में इनका नाम आया लेकिन मुझे तो सब पहले जानते थे और अल्लाह ने सब कुछ दे चुका था तो वजह इसमें आने की ये थी कि तब तक एक अल्लाह ने जो सबसे बड़ा तोहफ़ा देता है इंसान को वो है ईमान का तोहफ़ा कोई भी इससे बड़ा तोहफा नहीं है और वो जो जिनको अल्लाह ये तोहफा देता है तो कुरान में ये भी आएता है कि ईमान वाले इंसान ईमान वाले इंसान को पहचान जाएंगे क्योंकि जो ईमान वाला आदमी होता है वो आज़ाद हो जाता है कई चीज़ों से जो कि जंजीरें ज़मीन में इंसान को रोक के रखती है उसका पोटेंशल अचीव करने के लिए वो ईमान वो जंजीरें तोड़ देता है जिसको इलामा इकबाल जब शाहीन कहते हैं इकबाल का शाहीन तो वो जंजीरें तोड़ के ऊपर जाता है और वो जंजीरें हैं पैसे की पावर की ये जो शहरत की हर किस्म की जत की ईगो ये सब जंजीरें हैं जो इंसान को जब अल्लाह कहता ना कि मैंने इसको सबसे अजीम अपनी मखलूब बनाया फरिश्तों से भी ऊपर तो उसका मतलब ये है कि इंसान में वो पोटेंशियल है जो किसी में भी नहीं है लेकिन वो पोटेंशियल अचीव करने के लिए इंसान को वो जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं और वो ईमान वो जंजीरें तोड़ देता है। तो तारीख का मैं तालबल हूँ क्योंकि मैंने ये बड़ा स्टडी किया कि वो क्या वो क्या जादू हुआ कि एक दम जो अभी शेख यासर ने बताया कि एक फीसद सिर्फ मक्का के लोग पढ़े लिखे थे कोई हैसियत नहीं थी दो सुपर पावर्स थी पर्शियन एम्पायर और बैजेंटाइन एम्पायर बड़ी पावर थी उनमें कोई हैसियत नहीं थी अरबों की तो वो क्या था कि वो दुनिया की उन्होंने इमामत करनी शुरू कर दी तो वो मैंने बड़ा स्टडी किया और उसके साथ फिर मैंने रिलेट किया पाकिस्तान को क्योंकि हमारा तो वाद मुल्क बना था इस्लाम के नाम पर और तो कोई मुल्क नहीं इस्लाम के नाम पर बना ईरान में ईरानी रहते थे मिसर मिस्री लेकिन ये तो बनाया ही गया था इस्लाम के लिए तो मैंने इसको जब स्टडी किया तो मैंने जितना मैं स्टडी करता गया और जितना अल्लाह ने मेरा ईमान मजबूत करता गया उतना ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब तक हम सीरत नबी पे नहीं चलेंगे तब तक हम वो मुकाम नहीं हासिल कर सकते जो इलामा इकबाल का ख्वाब था इलामा इकबाल को अगर आप स्टडी करें बहुत बड़ा एक जहन था जो मगरबी फलसफे भी समझ गया और जो ग्राउंडेड थे अपने दीन के अंदर और अपनी इस्लाम की तारीख में इसलिए उन्होंने जो एक वर्ड अंग्रेजी के ओरिजिनल थॉट, उन्होंने जो उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल एक किसी के गुलाम यानी जो जैनी गुलाम बदकिस्मती से कलोनियलिज्म की वजह से मुसलमान दुनिया में जैनी गुलाम हैं जो अपनी गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ सकते वो ज़्यादा खौफनाक हैं जस्मानी गुलामी से तो इलामा इकबाल वो थे जो कि ओरिजिनल थॉट तब दिया जब वो मुआज़ना कर बैठे कि ये मगरबी किस वजह मगरबी सिविलाइजेशन क्यों ऊपर गया और हम हमारा क्यों जवाल आया और फिर उन्होंने शिकवा और जवाब शिकवा हमें जवाब भी दिए कि हम एक वक्त तो यहाँ थे और अब हम यहाँ हैं क्यों हैं तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इस नतीजे पर पहुँच गया कि हमारा जो सिस्टम बन गया तालीम का वो वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया एक तरफ इंग्लिश मीडियम बन गया जो कि कलोनियल एजुकेशन सिस्टम था वो हमारा नहीं था दूसरी तरफ हमने उर्दू मीडियम कर दिया जो ना तीतर ना बटेर रह गया तीसरी तरफ दीनी मदरसे चले गए तीन पैरल एजुकेशन सिस्टम बन गए अब वो तीन पैरल एजुकेशन सिस्टम में तीन कॉमन निकलनी शुरू हो गई उनका कनेक्शन ही एक दूसरे से नहीं रहा तो सबसे बड़ी चीज हमने फैसला किया सबसे पहले तो एक कोर एजुकेशन एक करिकुलम एक लेके आए ताकि एक पहले इनको कॉमों को तो एक तरफ लेके आए लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी शेख नासिर ने भी ये बात की जब भी मैं मक्का या मदीना गया सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तानी नजर आते हैं आपको वहां सबसे पहले पाकिस्तान रिएक्ट करता है कोई भी इस्लाम के खिलाफ कुछ हो तो पाकिस्तान में रिएक्शन आता है सबसे ज्यादा मैं मेरा दावा है कि रोजे भी ये रखते हैं हज भी ये पाकिस्तानी करते हैं पैसा भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अल्लाह के नाम पर देते हैं मैं सबसे ज्यादा पैसा, पैसा पाकिस्तानियों से इकट्ठा करता हूं अल्लाह के नाम पर सबसे ज्यादा पैसा भी देते हैं लेकिन मसला यह है कि हम जो एक तरह आप सेकुलर वर्ड इस्तेमाल कर लें हम असल में सेकुलर बन गए और गलत भी नहीं है सेकुलर का मतलब यह है कि हम एक तरफ आशे रसूल भी हैं सबसे ज्यादा हम, हम हमारा दीन के ऊपर जोर है लेकिन दूसरी तरफ जो नबी की सीरत है उसकी और हमारी जिंदगी में ताल्लुक कुछ नहीं है इतना बड़ा फासला है उसके बीच में मैंने बार बार एक चीज एक इंसिडेंट बताता हूं लोगों को डॉक्टर इशफाक बहुत बड़े डॉक्टर इशफाक अहमद खान मैं समझता हूं पाकिस्तान के बहुत बड़े स्कॉलर थे उनकी मैं बड़ी आ, उनसे मैं मिलता रहता था तो उन्होंने मुझे एक दफा ये अपनी बात बताई कि जब वो चाइना गया और चेयरमैन माओ को मिलने गए तो चेयरमैन माओ को बड़ा हीरो वर्शिप इसलिए कि उन्होंने एक जेनवन रेवोल्यूशनरी थे सब रेवोल्यूशनरीज उनकी उनकी तरफ देखते थे तो कहता है जब मैं उनके पास गया तो वो उनका एक दिन होता है ग्रेट बात का वो यंग सी दरिया की तैर कर उधर जाके वापस आते हैं तो लाइनें लगी होती हैं लोगों की हाथ मिलाने के लिए उनसे तो कहता मैं भी खड़ा हो गया जब मेरी बारी आई उन्होंने कहा जी किधर से हो मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ तो उसने कहा कि वो अ ग्रेट नेशन बड़ी जीम कॉम है पाकिस्तानी बड़ा हैरान हुआ डॉक्टर शवाक तो कहता सारी लाइन लगी हुई लोगों के पीछे उधर खड़े होकर चेबन माओ ने मुझे एक वाक्य बताया कि उन दिनों में एम्बसी कै, कैपिटल कराची था तो कहता कराची के अंदर जो एम्बेसडर था चाइना का वो उसका पाकिस्तानी चेस प्लेयर पार्टनर था तो कहता वो जो वो जो पाकिस्तानी पार्टनर था वो हर दो मिनट के बाद जाए दोपहर बड़ी गर्मी थी सबसे ज्यादा गर्मी का टाइम था और जाके अपने ऊपर सर पे पानी डाल के फिर आके चेस्ट खेले तो उसने कहा क्या मसला है उसने कहा मैं रोजा रखा हुआ, तो वो हुआ। है तो बड़ा चाइनीज हैरान हुआ कहता तुम चुप करके पानी पी लो किसी को क्या पता चलेगा तो जब उस चेयर चेयरमैन माओ को चाइनीज देखे बड़ा जहन था ना तो उसने क्या सोचा कि क्यों ये अजीम कौम है उसने यह कहा कि जो कौम गर्मी में पानी अल्लाह के खौफ से नहीं पी सकती तो सोच लें कि वो अल्लाह के खौफ से सच भी बोल सकती है वो रिश्वत भी नहीं लेगी वो टैक्स भी अपने पूरे देगी वो तो कौम को उस कौम को तो कोई रोक ही नहीं सकता यही था मदीना की रियासत में वो कैसे अजीम कौम बनी खौफ खुदा था उनको वो अपने ऊपर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी थी कि अल्लाह देख रहा है जिस तरह कि मैं कमरे में जाके पानी पीऊँ तो अल्लाह देख रहा है उसी तरह मैं कोई गलत काम करूँगा अल्लाह देख रहा है वो कौम की जो कैरेक्टर था वो ऐसा था कि सिर्फ मुसलमान ताजरों को इंडोनेशिया और मलेशिया में कोई फौज नहीं गई थी मुसलमानों की उनके कैरेक्टर की वजह से लोग मुसलमान हो गए तो मैंने इस नतीजे पर हूं कि हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारा अजीम कौम का कैरेक्टर नहीं है अजीम कौम बनने के लिए अजीम कैरेक्टर चाहिए सच बोलना सच सच्चाई एक दफा नब, नब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी ने एक कुरैश आया कहता जी मेरा सारा कबीला मुसलमान हो गया लेकिन मैं मेरी जितनी उसकी उम्र होगी मैं इस उम्र के इस हिस्से में हूं कि मैं अब आदतें अपनी नहीं बदल सकता तो मुझे कोई एक चीज बताएं कि मैं वो वो कर लूं अमल जिससे मैं अपनी आदतें भी रखूं और मुसलमान भी हो जाऊं। तो उन्होंने कहा सच बोला करो। ये सच्चाई बहुत बड़ा कैरेक्टर का जो जो नबी अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले कैरेक्टर की थी सादक और अमीन सच बोलने वाले और इंसाफ करने वाले इसके ऊपर बनती है कैरेक्टर की बुनियाद और जो लीडरशिप होती है लीडर कोई भी लीडर बन ही नहीं सकता रिस्पेक्ट कमांड कर ही नहीं सकता जब तक उसमें ये दो सिफ्ते ना हो सच्चा आदमी और इंसाफ करने वाला आदमी तो मैंने इसलिए तब से सोचा कि कभी अल्लाह ने मौका दिया तो ये मैंने जरूर करना है कि एक अपने मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशंस बनानी है जो कि एक नबी की सीरत और हमारे अमाल को जोड़े ये जब तक जुड़ेंगे नहीं हम अजीम को हम नहीं बन सकते और ये हम वो बन सकते इसलिए हैं कि अक्सर यश रसूल है ये जो सारा खुद खिता मुसलमान हुआ था ये आश रसूल ने मुसलमान किया था ये जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे ओलिया कराम बाबा बुल्ले शाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निजामुद्दीन औलिया दाता साहब मीर बाबा फरीद गन ये सब सब आशे रसूल थे और इन्होंने आम इंसान की जुबान में सीरत नबी का पैगाम लेके गए कवाली ईजाद की गई सिर्फ इसलिए कि आम लोगों को पैगाम दिया जाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इसलिए दो चीज़ें एक तो रहमतमीन अथॉरिटी उसका क्या मकसद है उसका यही मकसद है इकट्ठा करना सीरत नबी और हमारे अमाल को उसके लिए हमने मीडिया का पूरा इस्तेमाल करेंगे टेलीविजन का सीरियल्स का जिस तरह तुर्की सीरियल है अर्थग्रोल अपनी तारीख का बच्चों के कार्टून्स का व्हाट्सऐप का हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे लोगों को आसान लोगों की जबान में पैगाम देना कि क्या सीरत नबी है क्या और क्यों आप आपीम कौम नहीं बन सकते क्यों एक इंसान अजीम इंसान नहीं बन सकता जब तक तो उसके ऊपर ना चले जो 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 ए, आ, मदीना की रियासत उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज अगर आप नोटिस करें तारीफ पढ़ें तो इतने छोटे वक्फ में इतने ज्यादा अजीम इंसान दुनिया की तारीख में नहीं आए जो देखते थे तो अजीम आदमी बन जाता था कोई सेंट्रल एशिया निकल गया है, कोई मिस्र निकल गया है, कोई किधर कोई वो मोराको में घोड़े धड़ा दिए उसने समुंदर में कि अल्लाह तेरी जमीन खत्म हो गई है एक से एक बड़ा अजीम इंसान बन गया इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं चाहता हूं कि ये रिसर्च की जाए बताया जाए लोगों को यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज बन ही नहीं सकती जब तक उनके अंदर रिसर्च नहीं होती यूनिवर्सिटी तो बनती रिसर्च से है हम हमारे मुल्क में रिसर्च ही नहीं है कोई ये नहीं बता रहा आज तक कि वो क्या क्वालिटीज थी उन लोगों की को जो दुनिया की इमामत कर ली तो, तारीख में तो इसकी कोई मिसाल है ही नहीं कि वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी वो देखते देखते, देखते दुनिया की इमामत करना शुरू कर दिया और यही नहीं कि सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने फतह की सारे साइंस साँट, साइंटिस्ट टॉप मुसलमान थे कल्चरल लीडर्स थे दुनिया के दुनिया के थॉट लीडर्स ऐसे बने हैं कि उन्होंने दुनिया की इल्म को लेके आए अरबी में ट्रांसलेशन की और उधर से फिर थॉट डेवलप किया लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि तकरीबन सारे जो जो बड़े बड़े स्कॉलर्स और साइंसदान थे सब इस्लाम के स्कॉलर्स भी थे दोनों इकट्ठे चल रहे थे हमारे साइंस और इस्लाम में कोई लड़ाई नहीं थी हाँ एक बाद में जरूर चली रैशनलिस्ट और उनके अंदर आ, जो जो दूसरी दो स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर चला लेकिन ऑन द होल स्कॉलर बन ही नहीं सकते थे कोई भी पढ़ लें अलबरूनी पढ़े इबन खालदून पढ़ लें सारों के अंदर उनका कनेक्शन अल्लाह के साथ था सो so, वो कनेक्टेड थे इस वक्त जो जरूरत है पाकिस्तान में दो चीजों की एक कि हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च की जाए सबसे बड़ा मसला हमारा इस वक्त मुल्क में आया हुआ है वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर ऊपर टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक उनमें आगे निकल चुका है दुनिया से लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल साइड है उसका उ, उसमें क्या मसले आ रहे हैं उनके स्पिरिचुअली वो नीचे जा रहे हैं चर्चेस बंद हो रहे हैं पोप पोप पो ने अभी स्टेटमेंट दी है उसने कहा यूरोप हैज बिकम अ स्पिरिचुअल बैरन एरिया डेजर्ट स्पिरिचुअल डेजर्ट क्या वजह दोनों को इंसान में जिसम भी होता है और रूह भी होती है इंसान दो चीज़ों का बना होता है आप सिर्फ जिसमानी साइड के ऊपर पूरी तवज्जो दें इम्बैलेंस आ जाता है इंसानों में और यही वजह है कि हमारे हमारे जो यूथ है उसमें कन्फ्यूजन आई हुई है इस वक्त एक तो वो देखता है वेस्टर्न कल्चर और उनकी आगे और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हर तरह आगे हैं तो वो एक दूसरी तरफ हमारा देखता है और वो समझता है कि हम तो पीछे रह गए हैं दुनिया से और ये बहुत बड़ी टेम्पटेशन होती है जब कोई माशरा प्रोग्रेस करता है उसको ब्लाइंडली कॉपी करना शुरू कर दे और वो इसलिए होता है कि हमारे मुल्क में सही माने में हम रिसर्च करके अपनी यूथ को इंफॉर्म चॉइसेस देने का मौका नहीं दे रहे जब हम रिसर्च करेंगे जब हम बताएंगे कि ये उनकी ताकत उनकी है उनकी कमजोरी है क्या उनके मसले आए जब उनकी स्पिरिचुअलिटी गिरी है उनका फैमिली सिस्टम में क्या मसला है खानदानी निजाम उनका नीचे चला गया है वो कितनी चालीस साल पहले उनका खानदानी निजाम किधर था आज किधर चला गया है उसके कितने असरात हैं माशरे में ये यूनिवर्सिटीज़ का काम है रिसर्च करें बताएं आगा करें लोगों को फिर बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही है मोबाइल फ़ोन दुनिया में इतना बड़ा चैलेंज नहीं आया जो आज मोबाइल फ़ोन से आया है उसके पॉजिटिव्स क्या है कितना फायदा है तालीम उससे कितना इल्म हासिल कर रहे हैं बच्चे यंग एज पे लेकिन जो उसके अंदर पोर्नोग्राफिक मटीरियल आ रहा है उसके नुकसान क्या है कैसे कोप करना है बच्चों को हथियार कैसे देने हैं ये जो एक बिल्कुल नई रियालिटी आ गई है आप ये बंद तो नहीं कर सकते सोशल मीडिया को नहीं बंद कर सकते आप रोक तो नहीं सकते इनको लेकिन आप अपने बच्चों को कम अज कम बता तो सकते हैं अच्छे बुरे की इसकी एडवांटेज क्या है ये तर्ज जिंदगी लोगे तो इसका ये नुकसान आता है इसके ये फायदे हैं हम अपने बच्चों को चॉइसेस तो दे सकते हैं और फिर मैं वर्ड यूज करता हूं इनफॉर्म चॉइसेस। इनफॉर्म चॉइसेस तब आती हैं जब आप, आप बच्चों को बताएं तो सही आगा करें शूर पैदा करें उन्होंने इसलिए ये यूनिवर्सिटीज इस बड़ी इंपॉर्टेंट है अलकादर यूनिवर्सिटी के अंदर इंशाला रिसर्च की जाएगी इंटरनेशनल स्कॉलर्स के साथ इनके साथ कनेक्शन होंगे जिस तरह शेखनासर है डिबेट्स करवाई जाएंगी डिबेट्स ये याद रखें कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा हमें नुकसान पहुंचा है हम इश्तिहाद नहीं होने देते कुरान के अंदर अल्लाह का हुक्म है इश्हाद करो डिबेट करो जब आप इश्तिहाद नहीं होने देंगे तो थॉट प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा इलामा इकबाल का जो है जो किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट वो उसके अंदर तो अगर आप जो आ, जिसका मौकफ आपसे मुख्तलिफ होगा आप उसको काफिर कह देंगे तो इश्तहाद कैसे होगी तो हम आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हम इस्लाम की और इसलिए जो सबसे बेहतरीन इस्लाम के ऊपर काम हो रहा है वो मगरबी ममालिक में हो रहा है शेख या, आ, 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 शेख यासर आपको बताएंगे किस तरह की वहाँ डिबेट्स चल रही हैं कैसे कैसे स्कॉलर्स वहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि वहाँ वा, वहाँ कुफर का फतवा का डर नहीं है हमारे मुल्क में मैं फिर से कहता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है अल्लाह ने इस मुल्क को सब कुछ दिया हमारा जो सबसे बड़ा मसला लीडरशिप हमारे लीडरशिप के अंदर जो जो जिस तरह के लीडर्स आने चाहिए वो नहीं आते वो क्यों क्योंकि लीडर्स के अंदर वो जो कैरेक्टर लीडर का है वो नहीं है हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर बजाय ये सोचें कि ये बहुत बड़ा आप जब एक लीडर बनते हैं आप पे अल्लाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देता है जब एक लीडर आवाम की खिदमत करता है वो सारे पैगंबरों ने ये किया था सारे पैगंबर लीडर थे अल्लाह के और उन सारे पैगंबरों ने इंसानों को बदला था खिदमत की थी इंसानियत के लिए आए थे और जब एक लीडर बन के एक अथॉरिटी पे आके मुल्क का पैसा चोरी करना शुरू कर देता है उससे बड़ा अल्लाह का अजाब किसी इंसान पे नहीं आ सकता क्योंकि जो माशरे में गुरबत होती है सारा गुना उसके ऊपर जाता है इसलिए हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट दिया था अलकादर यूनिवर्सिटी और हम बाकी जो हमारी रहमत लालमीन जो अथॉरिटी है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ इन टच रहेगी उधर तो चेयर्स हैं सीरत चेयर्स हैं इनके साथ हम इन टच रहेंगे और बेसिकली जो इस नबी सल वसलम ने लीडरशिप का कॉन्सेप्ट दिया था वो हमने अपनी यूथ को देना है स्कूल के बच्चों से शुरू करेंगे सबको ताकि पता तो चले कि लीडर में कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कभी भी एक खुद गर्ज आदमी लीडर नहीं बन सकता लीडर हमेशा अपनी जात से निकल के बड़ा सोचता है कायद अजम मोहम्मद अली जना नेल्सन मैंडेला वो लीडर्स जो कि एक अपनी आप को कुर्बान कर देते हैं अपनी कौमों के लिए सारी जिंदगी वो कौम उनको दुआएं देती है उनकी इज्जत करती है कभी बुजल इंसान लीडर नहीं बन सकता इसलिए कुरान की आयत है कि जो लोग मान लियाए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूँ इसलिए वो जो एकदम लीडर्स की बारिश हुई थी मदीना की रियासत के बाद जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद एक से एक बड़ा लीडर बन गया था क्योंकि उनके खौफ दूर चले गए थे बड़ी सोच थी उनकी जात से बाहर निकल गए थे और सच्चे लोग थे और इंसाफ करने वाले लोग थे ये चार क्वालिटीज़ हैं जो बुनियाद है एक लीडर की और ये हमने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है ताकि हमारे मुल्क में भी लीडर्स निकलें जब वो उनको इकतदार मिले तो वो अपनी कौम का सोचें यह ना सोचें कि उन्होंने कितना पैसा बनाना और अपने आप को कितने फायदे पहुँचाने और अपनी रिश्तेदारों और दोस्तों को ऊपर लेके आना मेरिट है मेरिट कायम करनी और वही मदीना की रियासत में सबसे बड़ी चीज अगर आप देखें मेरिट थी जो कोई एक्सेल करता था वो बड़े उदे पर पहुंच जाता था और जो आखिर में मैं ये चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी से इस तरह की स्कॉलरशिप हो और इन जो हमारी रहमत आलमीन अथॉरिटी है वो सारे इंटरनेशनल स्कॉलर्स के साथ इन टच है और हमारी कोशिश यह है कि आगे से और ये होगा मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बाहर किसी ना किसी मुल्क में वो हमारे नबी अलैहि वसल्लम की शान में फिर से गुस्ताखी करेंगे लेकिन इस बारे में चाहता हूँ कि एक बड़ा इंटेलेक्चुअल, रीजन सोच समझ के कानून देख के एक उस तरह का हमारे साथ हमारा रिस्पांस जाए सारे मुसलमान स्कॉलर से पहले कंसल्ट करें मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट से कंसल्ट करके एक वो रिस्पांस जाए जो ये ना उनको कहना पड़ जाए कि जी जैसे देखें मुसलमान दुनिया आजादी राय के खिलाफ है जो इस यूनिवर्सिटी में जो हमारे बड़े बड़े जिस तरह मैंने बुजुर्गान दीन थे जिनकी वजह से इस्लाम फैला था सारे बड़े सगैर में उनके ऊपर भी रिसर्च हो और उनके जो कलाम हैं वो हम जब ये बड़े बड़े उर्स होते हैं वहाँ इतने लोग आते हैं लाखों लोग आते हैं प्यार करते हैं उनसे उनको बार बार बताया जाए कि उनकी टीचिंग्स थी क्या वो सारी सीरत थी सीरत नबी थी तो हमने लोगों को मुल्क के कैरेक्टर को ऊपर उठाना है मोरालिटी को ऊपर उठाना है जो मदीना की रियासत की सबसे बड़ी क्वालिटी थी जब शुरू किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो एक सिंपल कुरान की आयत के ऊपर था अमर बलमारूफ के अच्छाई को उठाओ और बदी को खत्म करो उसको दबाओ एक माशरा जो होता है वो उसकी बुनियाद इस पर रखी जाती है मैं इसलिए वो एक अभी एक हाल ही में सेमिनार हुआ लाहौर में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी और सजा क्या दी पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है अब ये सिर्फ मैं अपनी कौम के सामने रखता सियासी बात अब मैं नहीं कर रहा जब आप बुराई को बुराई नहीं समझते जब आप करप्शन को बुराई नहीं समझते तो उस माशरे में मेहनत कौन करेगा मैं क्यों पढूं, चौदह साल पढ़ाई करूं उसके बाद आठ आठ घंटे काम करूं और मैं अपने मुश्किल से बीवी बच्चों का पेट पालू और दूसरा कि एक एक कब्जा ग्रुप बन के इतना बड़ा प्लाजा बना दे असेंबली में भी आ जाए और मैं देख रहा हूँ कि मैं मेहनत कर रहा करूँ और ये देखो कोई मेहनत किए बगैर इतना बड़ा कोई माशरा नहीं चल सकता ये याद रखें कि माशरे के अंदर जब आपकी खलाकियत तबाह हो जाती है आपके माशरे में सोना निकले हीरे निकले जो मर्जी निकले वो रियासत नहीं बच सकती एक रियासत जिसकी मोरालिटी, मॉरल स्टैंडर्ड्स होती हैं उसको एटम बॉम्ब भी तबाह नहीं कर सकता जिस तरह जापान था वो फिर खड़ी हो जाएगी तो आपको एटम बॉम्ब मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती उस माशरे की जिसकी मोरालिटी खत्म हो जाती है जब हम करप्शन को बुरा नहीं समझते तो माशरा तो तबाह हो जाता है और ये सबसे बड़ा जुल्म इस माशरे में मैंने उन्नीस सौ पचासी के बाद जो चेंज देखा है हमने तो पाकिस्तान को देखा ना जो सबसे बड़ी तबाही आई है कि हम चोरों को बुराई नहीं समझते तो हम ये मैसेज देते हैं कि डाका मारना तो बड़ा डाका मारना सिर्फ छोटे चोरी पकड़े जाते हैं पाकिस्तान में कभी कोई माशरा नहीं सर्वाइव कर सकता और इसलिए भी मैं इस नतीजे पे आया हूं कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को यंगर जनरेशन को अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हमने रत नबी के जरिए उनकी हमने मॉरल मोरालिटी उनका कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है मॉरल रेनेसांस करना है और इनशाला मुझे मेरे में कभी कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने बाकी सब कुछ दिया हमें सब कुछ यहां हर अल्लाह की नहमत पाकिस्तान में है सिर्फ इनशाला वो जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो हमारी आ, वो कौम जो है ही आशिक रसूल उसको बस कनेक्ट कर दिया तो इनशाला मुझे कभी कोई शक नहीं है कि हम एक अजीम कॉम बनेंगे मैं फिर से फैकल्टी हमारी जो अलकादर की है स्टूडेंट्स जो पहला बैच आया है मैं आप सबको वेलकम भी करता हूं। और ये मेरा ईमान है कि इन हमेशा बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स छोटी शुरू होती हैं अभी हमने थोड़े सा इसका इंस्टीट्यूट का सेक्शन खोला है लेकिन मैं जब ऊपर से देखता हूँ इस सारी इंस्टीट्यूट को और इस इलाके को मेरे में कोई शक नहीं कि ये एक वो दुनिया के अंदर मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा इस्लाम की दुनिया में एक वो एक इंस्टीट्यूट बनेगी ये कोऑर्डिनेट करेगी जिस तरह अल अजहर का नाम है उसी तरह ये भी वो एक इंस्टीट्यूट बनेगी मुझे खुशी ये है कि ये तकरीबन ढाई साल के अंदर इसकी ओपनिंग हो गई जो मैं प्राइम मिनिस्टर यूनिवर्सिटी बना रहा हूं वो दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजीज़ की वो वो यूनिवर्सिटी होगी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर लेकिन गवर्नमेंट इतनी आस्तक चलती है कि तीन साल हो गए अब जाके हम शुरू करने लगे तो ये बदकिस्मती है ये गवर्नमेंट की नहीं है इसलिए ये बड़ी जल्दी खुल गई है और मेरी जो इससे पहले नमल यूनिवर्सिटी है वो मेरा एक विजन है पाकिस्तान की पहली नॉलेज सिटी जिस तरह ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज है तो मैं मैं आज फिर से बड़ी अपनी खुशी का इजहार करता हूं मुझे बड़ा आज खुशी हो रही है कि इतने छोटे टाइम में हमारी ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी है ये काम शुरू कर दिया शुक्रिया जी वजी आजम इमरान खान अलका यूनिवर्सिटी में मरकजी तकरीब से खिताब कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमारे पास सबसे अहम चीज ईमान की दौलत है अलैहि सल्ह वसल्लम पर चले बगैर हम आला मकाम हासिल नहीं कर सकते उन्होंने कहा कि असीम कौम बनने के लिए अजीम किरदार चाहिए ताज यूनिवर्सिटी तलबा वालबात के लिए जदीद तर्ज पर इस्लामी तलीमत तसव्वुफ और जदीद साइंसी पर तहकीक के लिए आलमी मीयार की सहूलियात फ्राम करेगी अलकादा यूनिवर्सिटी के ताली प्रोग्राम में तलबा वालबा में सरत तयबा की रोशनी में कायदाना सलाहितों किरदाराजी और तरबियत पर खसूसी तवज्जो